उसमें हमने डिस्कस किया था टैक्स ऑडिट लिमिट्स के बारे में, जो कि 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, फाइनेंस बिल में क्या आया था और फाइनेंस एक्ट में क्या प्रोविजो ऐड किया गया अकाउंट पे चेक के बारे में। इसी के साथ मैंने 44 ADA में जो अमेंडमेंट की गई एज पर फाइनेंस एक्ट 2021, ये भी मैंने डिस्कस किया था उस पिछली वीडियो में। तो अगर आपको वो वीडियो रेफर करनी है तो आपका उसको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही के साथ अगर आपको हमारे चैनल पे इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए, जो भी नॉलेजेबल, जो भी हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, तो उसके लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल सीए संसार। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो या फिर मुझे मेल भी कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सो ऐसे हमने बहुत ज्यादा क्वेरीज हम रिसीव करते हैं कि आई एम अ सैलरीड इंडिविजुअल, मैं एक सैलरी में हूँ और मैं जो है शेयर ट्रेडिंग फ्यूचर ऑप्शन में डील करता हूँ, और जो मेरी शेयर ट्रेडिंग और फ्यूचर ऑप्शन की जो टर्नओवर है, बेसिकली जो सेल्स वैल्यू है, वो या तो 3 करोड़ है या ये मेरी 4 करोड़ है या मेरी 10 करोड़। इस टाइप से हमें बहुत ज्यादा क्वेरीज मिलती हैं। और लेकिन अगर जब मैं नेट इनकम देखता हूँ तो मैं या तो लॉस आया है 1 लाख रुपए का या प्रॉफिट आया 2 लाख का, और एक्सवाइजी कोई भी फिगर लॉस और जो भी मेरी इनकम है, वो एक क्वेश्चन आता है कि क्या इस केस में हमारे ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि डू आई नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है क्योंकि मेरी जो टर्नओवर है वो 3 करोड़ या 4 करोड़ से ऊपर जा रही है। इज इट अ बिजनेस इनकम, क्या ये जो मैं शेयर ट्रेडिंग कर रहा हूँ क्या ये मेरी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, और क्या ये कैपिटल गेन एप्लीकेबल है, क्या इस पे कैपिटल गेन लगेगा या बिजनेस माना जाएगा। इस वीडियो के थ्रू हम इन क्वेश्चंस का आंसर लेंगे। नेक्स्ट आता है क्या मैं 44 ADA अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं 44 ADA ले सकता हूँ। तो ADA ये जो हमारे जो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन वाले सेक्शन है, क्या वो हम अप्लाई कर सकते हैं इस इनकम में, ये भी हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि फॉर्म ऑफ शेयर ट्रेडिंग। शेयर ट्रेडिंग जो है हमारी 2 टाइप की होती है, एक होती है डिलीवरी बेस्ड, एक होती है नॉन डिलीवरी बेस्ड। डिलीवरी बेस्ड अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बोलूं तो वो ट्रेडिंग हो गई जहां पे आपके जो शेयर्स है वो क्रेडिट हो जाते हैं डीमैट अकाउंट में, एंड वो कुछ दिन तक आप रखते हो और उसके बाद आप उसको सेल कर देते हो, तो या तो उससे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है। नेक्स्ट आता है नॉन डिलीवरी बेस्ड में आपकी 2 चीजें आती हैं, एक आती है इंट्राडे, एक आती है FNO. FNO इज बेसिकली फ्यूचर ऑप्शन, ये आपकी नॉन ट्रेडिंग में आती है। तो सबसे पहले हम डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन्स के बारे में देखते हैं कि वो क्या होती हैं। सो डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन्स का टर्नओवर हम कैसे निकालेंगे कि फॉर ऑल डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन्स वेयर यू बाय स्टॉक्स एंड होल्ड इट मोर देन 1 डे एंड सेल देम, द टोटल वैल्यू ऑफ द सेल्स इज टू बी कंसिडर्ड एज टर्नओवर। तो सपोज करो डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन्स के लिए अगर आपने कोई स्टॉक परचेज किया, अगर आपने से रिलायंस का शेयर परचेज किया और उसे आपने मई में परचेज किया एंड आप सितंबर में सेल कर रहे हो, तो अगर सपोज करो इफ यू बॉट 100 रिलायंस शेयर्स एट ₹800 एंड सोल्ड देम एट ₹820, तो जो आपकी सेलिंग वैल्यू है वो आपकी ₹82,000 होगी। 820 इंटू में 100 कैन बी कंसिडर्ड एज टर्नओवर, इट विल बी योर टर्नओवर। वेयर द ट्रांजेक्शन फॉर द परचेज और सेल ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर्स इज डिलीवरी बेस्ड, whether intended or by default, the total value of the sales is to be considered as turnover. अब देखो इसमें 2 चीजें आती हैं। आप शेयर ट्रेडिंग कर रहे हो, डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन के बारे में मैं अभी बात कर रही हूँ, आपका मेन काम यही है कि आप सिर्फ शेयर ट्रेडिंग करोगे, आपका और कोई बिजनेस नहीं है। सो ये आपका बिजनेस इनकम हुई शेयर ट्रेडिंग, ठीक है। दूसरी है आप जस्ट एक सैलरीड इंडिविजुअल हो, जस्ट कैजुअली कभी कभी आप अपना जो है इन्वॉल्व हो जाते हो इस शेयर ट्रेडिंग में, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है, सैलरी है। तो इसके ऊपर एक CBDT का सर्कुलर भी आया था कि आपकी इनकम हम कब मानेंगे जो बिजनेस इनकम है, या कब हम मानेंगे कि आपकी जो है कैपिटल गेन है। तो उसमें ये बोलता है कि वो असेसी के ऊपर है कि वो असेसी क्या मानता है उस ट्रांजेक्शन को, ठीक है। तो अगर सपोज करो आप सैलरीड इंडिविजुअल हो और आप कैजुअली इन इस शेयर ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व होते हो कभी कभी, तो आपका ये क्या है, ये आपका कैपिटल गेन वाले में आएगा, ये आपका बिजनेस इनकम नहीं माना जाएगा। बट हाउ एवर ये ऑब्वियसली आपके ऊपर है कि आप इसको क्या कंसिडर करते हो। तो टर्नओवर की बात कब कहाँ पे आएगी, टर्नओवर की बात वहां पे आएगी जहां पे आप इसको एज ए बिजनेस इनकम कंसिडर करोगे। दैट मीन्स क्या, मैं कैपिटल गेन, सपोज करो मुझे कैपिटल गेन होता है से
2 करोड़ का, या से होता है मुझे 12 करोड़ का कैपिटल गेन होता है, क्या मेरा टैक्स ऑडिट होगा? द आंसर इज नो, बिकॉज टैक्स ऑडिट जो सेक्शन 44AB है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? वो तभी एप्लीकेबल है जब आपकी बिजनेस इनकम हो. अगर आपकी बिजनेस इनकम ही नहीं है, आपकी कैपिटल गेन इनकम है, तो आपका जो टर्नओवर है वो 12 करोड़ हो या 14 करोड़ हो या 2 करोड़ हो, उस पे आपका टैक्स ऑडिट नहीं एप्लीकेबल होगा. सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना कि आप उसको कैपिटल गेन में क्लासीफाई कर रहे हो या फिर आप उसको बिजनेस इनकम में क्लासीफाई कर रहे हो. अगर आप कैपिटल गेन में क्लासीफाई कर रहे हो, सो यू डू नॉट नीड एनी टैक्स ऑडिट. वो कैपिटल गेन इनकम है, क्योंकि जो टैक्स ऑडिट है वो सब बिजनेस इनकम का होता है एज पर सेक्शन 44AB. और डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन्स में सपोज करो आप सेल करते हो 100 शेयर्स 820 रुपीज की, लाइक गिवन इन दिस एग्जांपल, तो 82,000 का हमें आपका टर्नओवर माना जाएगा. बट रिमेंबर दैट द अबव कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर फॉर डिलीवरी ट्रेड इज ओनली एप्लीकेबल इफ यू आर डिक्लेयरिंग इक्विटी डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स ऑल्सो एज ए बिजनेस इनकम. सो जैसे मैंने बोला, इसको हम तभी मानेंगे जब आप इसको बिजनेस इनकम मानोगे. अगर आप इसको बिजनेस इनकम नहीं मान रहे हो, कैपिटल गेन मान रहे हो, तो कैपिटल गेन में टर्नओवर का तो आता ही नहीं, उसमें तो फेस वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. सो इफ यू आर डिक्लेयरिंग देम एज कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट टर्नओवर ऑन सच ट्रांजैक्शंस. अगर आप उसे कैपिटल गेन दिखा रहे हो तो टर्नओवर निकालने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज इट इज नॉट योर बिजनेस इनकम. ऑल्सो देयर इज नो नीड फॉर एन ऑडिट इफ यू हैव ओनली कैपिटल गेन इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर प्रॉफिटेबिलिटी. और कैपिटल गेन में आपको ऑडिट का रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे आपकी वो टर्नओवर हो, चाहे आपकी कितनी भी टर्नओवर हो या कितना भी आपका प्रॉफिट आ रहा हो. सो ये सिर्फ आपको कब देखना है? जब आपकी बिजनेस इनकम हो. ठीक है, अब बात आती है नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन्स. नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती है? ये होती है हमारी इंट्राडे और दूसरी होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन. सो सबसे पहली बात आता है इंट्राडे. इंटरडे क्या होता है? इंटरडे जो होता है वो हमारा स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होता है. स्पेकुलेशन से ये हमारा बिजनेस इनकम है. अब स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस क्या होती है? ए स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन मींस अ ट्रांजेक्शन इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज और सेल ऑफ एनी कॉमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर्स इज पीरियडिकली और अल्टीमेटली सेटल्ड अदरवाइज देन बाय द एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ द कॉमोडिटी और स्क्रिप्ट्स. जो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन होती है वो ट्रांजेक्शन होती है जहां पे हम जो सेल और परचेज करते हैं इंक्लूडिंग स्टॉक्स और शेयर्स वो सेटल कर देते हैं. एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती है उस केस में, जस्ट हम उसको सेटल कर देते हैं, जस्ट लाइक वी डू इट इन इंट्राडे. ओके, अब आप बोलो कि फ्यूचर ऑप्शन में भी तो सेम ही होता है, लेकिन एज पर सेक्शन 43(5) उसमें कुछ एक्सेप्शन दी गई है जिसमें फ्यूचर ऑप्शन को एक्सक्लूड कर दिया गया है. एंड दिस इज द ओनली रीजन जो फ्यूचर ऑप्शन है वो आपकी नॉन स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन कहलाती है और जो इंट्राडे है वो आपकी स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन कहलाती है. दस इन अ स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और परचेज विच इज एंटर्ड इनटू इज नॉट कंप्लीटेड बाय गिविंग और रिसीविंग डिलीवरी सो एज टू रिजल्ट इन द सेल एज पर द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट. सो इसमें क्या होता है, जो सेल और परचेज जो हम एंटर करते हैं वो डिलीवरी के थ्रू नहीं होता है, जस्ट वो सेटअप हो जाता है. लाइक फेवरेबल और अनफेवरेबल डिफरेंसेस हम देखते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम आता है. द कॉन्ट्रैक्ट इज सेटल्ड अदरवाइज एंड स्क्वायर्ड अप बाय पेइंग आउट द डिफरेंस व्हिच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. इसमें हम एग्जांपल लेते हैं. सपोज करो इंट्राडे ट्रेडिंग में मैंने एक शेयर परचेज किया मॉर्निंग में से 100 रुपीज का, एंड बाद में जब शाम हुई, मतलब से आफ्टरनून के आसपास, मैंने उसको 80 में सेल कर दिया. सो दैट मीन्स मुझे 20 का जो है लॉस हुआ. सो एज सच इन सच ट्रांजेक्शन द डिफरेंस अमाउंट इज टर्नओवर. तो ऐसी ट्रांजेक्शन में जो डिफरेंस है, मतलब जो 20 का जो लॉस हुआ है वो हमारे टर्नओवर कहलाता है. सो इन द केस ऑफ एन एसएससी अंडरटेकिंग, इसमें जो मैंने भी एग्जांपल लिया, जो 80 का जो मेरा सेल है हम उसको 80 का सेल नहीं मानेंगे, तो 80 हमारा टर्नओवर नहीं है. सो इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन आपको टर्नओवर के बारे में जानना जरूरी है. अच्छा, क्या ये टर्नओवर हमारे इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन है? द आंसर इज नो. इनकम टैक्स एक्ट हमें कहीं भी डिफाइन नहीं करता है. तो ये जो चीजें हैं, ये जो कि हम जो डिफरेंस अमाउंट को है हम उसको टर्नओवर मानेंगे, ये कहाँ पे लिखा है? ये हमारे गाइडेंस नोट में लिखा है इंस्टीट्यूट के, एंड दिस इज द ओनली रीजन हम इसको डिफरेंस जो हमारा अमाउंट है हम उसको एज ए टर्नओवर कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट आता है, इन द केस ऑफ एन एसएससी अंडरटेकिंग स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन there can be both positive and negative differences arising by settlement of various such contracts during the year. अब कोई भी SSE है जो speculative transaction से intraday में involved है,
अब उसमें पॉजिटिव डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, नेगेटिव डिफरेंसेस भी हो सकते हैं. ईच ट्रांजेक्शन रिजल्टिंग इन वेदर अ पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंस इज अ इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन. सो जो भी हमारे जो पॉजिटिव या नेगेटिव है वो हमारे इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है. हर एक ट्रांजेक्शन को आप एक इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन मानोगे. फर्दर अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ नेगेटिव डिफरेंस पेड इज नॉट रिलेटेड टू द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ पॉजिटिव डिफरेंस इन सच ट्रांजेक्शन. Though the contract notes are issued for full value of the purchase or sold asset, the entries in the books of account are made only for the differences. So, इस केस में क्या होता है? Accordingly, the aggregate of both positive and negative differences is to be considered as a turnover of such transactions for determining the liability to audit by section 44AB. So, जो भी आपका aggregate होता है, positive or negative differences का, उसको हम देखेंगे और उसको हम turnover मानेंगे as per section 44AB. ये हमारा इंट्राडे में होता है. मतलब बेसिकली जो आपका डिफरेंस अमाउंट है, सेम जैसे हमने एग्जांपल लिया 100 में आपने परचेज किया मॉर्निंग में, आफ्टरनून में आप 80 में सेल करते हो, तो जो आपका 80 वाला अमाउंट है वो आपका वो सेल नहीं माना जाएगा. जो 20 का लॉस हुआ है दैट इज द टर्नओवर एज पर सेक्शन 44AB. सो आई होप आई हैव क्लेरिफाइड दिस, ये जो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ इंट्राडे. अच्छा, क्या इंट्राडे इनकम मेरी बिजनेस इनकम में आता है? द आंसर इज यस. इंट्राडे जो है आपका बिजनेस इनकम है. सो यू हैव टू शो इट एज इनकम. सो सपोज करो आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हो, आपकी सैलरी तो इनकम अंडर दैट सैलरी में आ ही गई. और जो आप शेयर ट्रेडिंग करते हो, डिलीवरी बेस्ड करते हो, तो आपके कैपिटल गेन में आप कंसिडर कर सकते हो. अगर आप इंट्राडे करते हो तो दैट इज आपकी बिजनेस इनकम, ये आपका बिजनेस में माना जाएगा. नेक्स्ट आता है नॉन डिलीवरी बेस्ड में फ्यूचर एंड ऑप्शन. जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है वो आपका नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम आता है. अब फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम कैसे कंप्यूट करेंगे टर्नओवर ऑफ फ्यूचर ट्रांजेक्शन फॉर टैक्स ऑडिट पर्पस एंड कैसे कंप्यूट करेंगे टर्नओवर ऑफ ऑप्शन ट्रांजेक्शन फॉर टैक्स ऑडिट पर्पस. सो फ्यूचर ट्रांजेक्शन का पहले हम देखते हैं. सच ट्रांजेक्शन आर कम्प्लीटेड विदाउट द डिलीवरी ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज. ऐसी जो ट्रांजेक्शन है फ्यूचर की, ये हम विदाउट डिलीवरी ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज के थ्रू ही करते हैं. मतलब इसमें शेयर्स की और या सिक्योरिटीज की आपकी डिलीवरी नहीं होती है. दीज आर ऑल्सो स्क्वायर्ड अप बाय पेमेंट ऑफ डिफरेंसेस. सो अगर आप इनका पीएनएल देखते हो, जो भी इंटरमीडिएट है उसे आप डाउनलोड करके देखते हो, तो ये भी स्क्वायर्ड अप, मतलब हम पेमेंट ऑफ डिफरेंसेस ही देखते हैं पीएनएल में भी. द कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आर इशूड फॉर द फुल वैल्यू ऑफ द असेट परचेज्ड और सोल्ड, बट एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेड ओनली फॉर द डिफरेंसेस. जो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स हैं वो हम इशू करते हैं. जो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट नोट्स हर ट्रांजेक्शन का होता है. बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट नोट्स इज बेसिकली एक काइंड ऑफ उसमें आपकी ट्रांजेक्शन होती है कि आपने उसे रिलायंस का सेल शेयर परचेज किया 10,000 रुपीज में और आप उसको 8,000 में मेंशन कर दोगे, तो वो मेंशन होगा कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर. तो जो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स है उसमें ये लिखा हुआ होता है 10,000 और 8,000, इस टाइप की वैल्यूज उसमें मेंशन होती है. बट जो पेमेंट है, जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, उसमें हम सिर्फ 2,000 का ही वैल्यू दिखाएंगे. The transactions may be squared up any time on or before the striking date. The turnover in such type of transaction is to be determined as follows. इस केस में जो फ्यूचर ट्रांजेक्शन है उस केस में हम टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे? The total of favorable and unfavorable differences shall be taken as turnover. जो हमारा टोटल है फेवरेबल और अनफेवरेबल differences का, वो हम टर्नओवर लेंगे. तो सपोज करो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं. एग्जांपल क्या है? मिस्टर एक्स जो है बाय करते हैं 100 यूनिट्स ऑफ निफ्टी फ्यूचर एट 8,000 पर यूनिट एंड सेल कर देते हैं 7,900 पर यूनिट पे. मतलब कि उन्होंने एक तरीके से सिंपल शब्दों में बोले तो 100 यूनिट्स परचेज करी 8,000 रुपीज में और 7,900 पे उसको सेल कर दी, तो 100 रुपीज का लॉस हुआ. बिकॉज 7,900 माइनस 8,000 100 रुपीज का लॉस हुआ, 400 यूनिट्स 10,000 का आपको लॉस हुआ. तो जो नेगेटिव डिफरेंस है या जो लॉस है वो हमारा टर्नओवर हो गया. इसी की तरह से दूसरी ट्रांजेक्शन करी मिस्टर एक्स ने, उन्होंने तब 50 यूनिट्स परचेज करी निफ्टी फ्यूचर के 100 पर यूनिट पे और सेल कर दिया 150 पर यूनिट पे, तो इससे जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो 2,500 का हुआ. तो जब हम टैक्स ऑडिट का जब हम टर्नओवर हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द टैक्स ऑडिट पर्पस, तो 10,000 का लॉस प्लस 2,500 का जो प्रॉफिट दोनों को ऐड करेंगे. सो मतलब जो नेगेटिव डिफरेंसेस है हम उसको भी ऐड करेंगे पॉजिटिव में. मतलब हम इसको 75, वैसे अगर आप देखो तो जो नेट प्रॉफिट है वो 75, जो नेट लॉस है वो 7,500 का हुआ है, बट हम इसको ऐसे नहीं करेंगे. फॉर टैक्स ऑडिट पर्पस वी आर गोइंग टू ऐड द फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस व्हिच इज 12,500 इन दिस केस.
सो आई होप यू अंडरस्टूड जो टैक्स ऑडिट की हम टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं. अच्छा सपोज करो इस तरीके से, क्योंकि जो नेगेटिव डिफरेंसेस हैं और जो पॉजिटिव डिफरेंसेस हैं वो करके आपके टर्नओवर हम कैलकुलेट कर लेंगे फ्यूचर के केस में, सेम ऑप्शन के केस में भी अभी आगे देखेंगे. इसके बाद क्या इससे प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा? द आंसर इज नो. प्रॉफिट जो है आपका वो आया है, उस पर कोई चेंज नहीं होगा. बट यस, जो हम आपका कंसीडर करेंगे जो टर्नओवर के पर्पस पे कि इसका टैक्स ऑडिट होना है या नहीं, वो फेवरेबल ऐड कर दोगे आप फेवरेबल डिफरेंसेस और अनफेवरेबल डिफरेंसेस. सपोज करो एक ट्रांजेक्शन में आपको 6,000 का लॉस हुआ है और आपको दूसरी ट्रांजेक्शन में 4,000 का लॉस हुआ है, तो टोटल टर्नओवर 4,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो कितनी टर्नओवर हो गई? 10,000 की. 2,000 का लॉस नहीं माना जाएगा फॉर टैक्स ऑडिट पर्पस. सो दैट इज द कंप्यूटेशन ऑफ टर्नओवर इन केस ऑफ फ्यूचर ट्रांजेक्शंस. नाउ हाउ टू कंप्यूट टर्नओवर ऑफ ऑप्शन ट्रांजेक्शन फॉर टैक्स ऑडिट पर्पस. अब हम देखते हैं कि ऑप्शन ट्रांजेक्शन में हम कैसे टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे टैक्स ऑडिट पर्पस के लिए. The turnover in such type of transactions is to be determined as follows. Option transactions में हम turnover कैसे निकालते हैं? The total of favorable and unfavorable differences shall be taken as turnover. तो जो favorable और unfavorable differences हैं, वो हमारी turnover मानी जाएगी. Same वही 6,000 का loss और 4,000 का profit, तो turnover कितनी होगी? 10,000 रुपए. Premium received on sale of options. ये option के case में एक point note करने वाला है कि premium जो हम receive करते हैं in case of sale of option is also to be included in turnover. जो premium हम sale करते हैं, receive करते हैं option के case में, वो भी आपका turnover का part होगा. And in respect of any reverse trades entered, the difference thereon should also form part of the turnover. अगर कोई reverse trades हम enter करते हैं तो वो भी आपका turnover का part होगा. तो जो उसका जो difference है वो भी आपका turnover का part होगा. So let's take option का एक example हम लेते हैं. In options if you buy say 100 आपने purchase किया, 4 lots of Nifty आपने परचेज करे, 8200 कॉल्स एट ₹20 एंड सेल एट ₹30. मतलब आपने से सिंपल शब्दों में बोलो तो कि आपने कोई चीज 20 की खरीदी, आपने 30 में बेच दी, तो आपको ₹10 का प्रॉफिट हुआ. ₹10 का प्रॉफिट से आपको जो डिफरेंस प्रॉफिट है वो ₹1,000 का हुआ. इस पे आपने प्रीमियम रिसीव करा ₹30 का और यूनिट्स है आपकी 100, तो आपका 3,000 का आपका प्रीमियम है. तो आपकी जो टोटल टर्नओवर है वो कितनी हो जाएगी? 1,000 प्लस 3,000 is equal to ₹4,000. So that is the turnover in case of option transactions. So अब इस पे tax audit का limit क्या माना जाएगा? So ये जो favorable और unfavorable differences को, मतलब कि suppose करो 10,000 का turnover है, इस तरीके से आप हर एक transactions में आप देखोगे. ये आपको transaction wise देखना है, इसमें हर transaction को आपको एक एक करके add करना होगा, which is not a very big task, क्योंकि आप ultimately जो P&L है वो आप download कर सकते हो intermediary की website से, and then जब आप उसमें click करोगे, drag करोगे चीजों को, तो आपके पास बहुत easy तरीके से आप Excel में उसको लेके अपना turnover calculate कर सकते हो in case of future and in case of option, आपको आराम से पता चल जाएगा. So ये आप calculate कर सकते हो वहां से. Next आता है टैक्स ऑडिट का लिमिट क्या है. टैक्स ऑडिट की लिमिट तो वही है जो सेक्शन 44EBB है, 1 करोड़ और 10 करोड़. सो अब जैसे डीमेट अकाउंट है, तो डीमेट अकाउंट में तो सारी ट्रांजेक्शन जनरली बैंक से ही होती है, सो यू कैन टेक इट एज 10 करोड़ एज योर लिमिट. अगर आप सपोज करो डीमेट अकाउंट में कैश जमा कराते हो तो बात अलग हो जाएगी, सो दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो. बट जनरली ऐसा नहीं होता है कि डीमेट में कैश जमा किया जाए. सो जनरली डीमेट अकाउंट इट्स लाइक बैंक से ही आपका चलता है, तो क्योंकि बैंक से ही सारी ट्रांजेक्शन हो रही है, सो यू कैन कंसिडर 10 करोड़ एज योर लिमिट. क्या आप इसमें 44AD ले सकते हो 2 करोड़ वाला करके? द आंसर इज येस, यू कैन टेक 44AD एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फाइल योर रिटर्न. 44AD ले सकते हो आप क्योंकि आपकी बिजनेस इनकम है. क्या आप 44AD ले सकते हो प्रोफेशन वाला? द आंसर इज नो. क्यों नहीं ले सकते आप? क्योंकि जो प्रोफेशन ये नहीं है, ये आपको प्रोफेशन में आपके कंसिडर नहीं होता है, प्रोफेशन में नहीं आता है, सो यू कैन नॉट टेक 44AD. अच्छा सेकेंड चीज आती है प्रॉफिट एंड लॉस. जो मेरा P&L से आ रहा है, सो हो सकता है कि वो मेरा लेस देन 8% आ रहा हो या लेस देन 6% आ रहा हो. इन दैट केस क्या मेरे ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा? इफ यू आर टेकिंग 44AD, अगर आप 44AD अगर आप लेते हो बिजनेस वाले के केस में, तो यस, अगर आपका सेकेंड सब्सिक्वेंट ईयर है और आप 44AD पहले ले चुके हो, तो उस केस में अगर आपके सब्सिक्वेंट ईयर में आप लेस देन 6% या 8% दिखा रहे हो, तो आंसर इज येस, आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा. अगर आप से कम दिखा रहे हो
और आपके पास नेट प्रॉफिट है तो आप उतना भी शो कर सकते हो, मतलब जितना आपका आ रहा है उतना आप शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नेक्स्ट आता है मतलब कि जब आप 44AD क्लेम नहीं करते तो आप नॉर्मल P&L ले सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारा, अब थोड़ा सा एक समराइज वे में हम इसको देखते हैं, फॉर्म्स ऑफ शेयर ट्रेडिंग। तो दो टाइप की शेयर ट्रेडिंग होती है, डिलीवरी बेस्ड और नॉन डिलीवरी बेस्ड। डिलीवरी बेस्ड में शेयर्स आपके ट्रांसफर होते हैं डीमेट अकाउंट में, और अगर आप उसको आप ज्यादा ही मतलब आप बेसिकली कैजुअली उसको करते हो या साइड बाय साइड आप शेयर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप उसको कैपिटल गेन कंसिडर कर सकते हो। कैपिटल गेन आपका 10 करोड़ का हो, 11 का हो, 12 का हो, क्योंकि टैक्स ऑडिट तो सिर्फ बिजनेस इनकम पे होता है, कैपिटल गेन पे नहीं होता। सो यू कैन इग्नोर दिस ट्रांजेक्शन फॉर टैक्स ऑडिट पर्पज। टैक्स आता है हमारा नॉन डिलीवरी बेस्ड। नॉन डिलीवरी बेस्ड में आता है आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन, और आता है इंट्राडे। इंट्राडे आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस है, और स्पेकुलेटिव बिजनेस का अगर लॉस भी आता है तो वो स्पेकुलेटिव इनकम से ही एडजस्ट होता है। सो यू हैव टू कंसिडर कि वो जो स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो लॉस आ रहा है वो आप स्पेकुलेटिव मतलब इंट्राडे की जो इनकम आएगी आप उसी से ही एडजस्ट कर सकते हो, और जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है वो नॉन स्पेकुलेटिव है तो वो आप नॉर्मल कैपिटल गेन वगैरह से भी आप एडजस्ट कर सकते हो। सो चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शन हो या इंट्राडे हो, ये दोनों आपकी बिजनेस इनकम में आएगी। इवन इफ अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तभी ये आपकी बिजनेस इनकम में ही आएंगी, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन या इंट्राडे में डील करते हो तो। और लिमिट क्या होगी टैक्स ऑडिट की फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजेक्शन, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, जैसा मैंने बोला कि उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकती हो। टैक्स ऑडिट की लिमिट सेम है, यू जस्ट नीड टू ये जो वीडियो थे ये सिर्फ टर्नओवर के बेस पे थी कि टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगी, फेवरेबल और अनफेवरेबल डिफरेंसेस एंड ऑप्शन के केस में यू नीड टू इंक्लूड द प्रीमियम पार्ट। ओके, द रिक्वायरमेंट ऑफ कैलकुलेटिंग टर्नओवर अराइजेस ओनली व्हेन ट्रेडिंग P&L एज अ बिजनेस इनकम। तो जो टर्नओवर कैलकुलेट आपको तभी करनी है जब आप प्रॉफिट एंड लॉस को एज ए बिजनेस इनकम कंसिडर करते हो। सो इफ यू आर कंसिडरिंग इट एज अ कैपिटल गेन इनकम तो कैपिटल गेन में आप कंसिडर नहीं करोगे। एन ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड इफ यू ओनली हैव कैपिटल गेन इनकम इरिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। टर्नओवर इज ओनली टू डिटरमिन इफ ए टैक्स ऑडिट इज रिक्वायर्ड और नॉट। सो टर्नओवर योर टैक्स लायबिलिटी डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय योर टर्नओवर। सो सपोज करो आपकी टर्नओवर सिर्फ फेवरेबल और अनफेवरेबल डिफरेंसेस से आती है, सिर्फ 51 करोड़ की, तो क्या आपको टैक्स ऑडिट या 51 करोड़ का आपको 8% दिखाना होगा या आपको 6% दिखाना होगा? तो देखो 51 करोड़ के टर्नओवर पे सबसे पहली बात 51 करोड़ की अगर आप फेवरेबल और अनफेवरेबल डिफरेंसेस है तो 6% और 8% की बात ही नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि 44AD तभी एप्लीकेबल है जब आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक की है। तो इस केस में आपकी 51 करोड़ हो गई तो ऑब्वियसली आपके 44AD एप्लीकेबल नहीं है। सो यू डू नॉट नीड टू शो दैट 6% और 8% क्राइटेरिया। और नेक्स्ट आता है आपका 51 करोड़ का टर्नओवर है, फेवरेबल और अनफेवरेबल डिफरेंसेस का पॉजिटिव, तो आप पे 44A भी एप्लीकेबल हो गया, 10 करोड़ से एक्सीड कर गया आपका, क्योंकि सारा मैं मान के चल रही हूँ कि सारा आपका बैंक का ट्रांजेक्शन है डीमैट से हो रहा है। सो इस केस में आप प्रॉफिट कितना शो करोगे? जो आपका प्रॉफिट, क्योंकि टैक्स ऑडिट हो रहा है तो जो आपका प्रॉफिट P&L में आ रहा होगा आप वही शो कर सकते हो। बेसिकली जो भी आपकी इंटरमीडिएट के अकाउंट से जो प्रॉफिट एंड लॉसेस स्टेटमेंट निकलती है आप वही वाला प्रॉफिट शो कर सकते हो। बुक्स ऑफ अकाउंट आप कैसे मेंटेन करोगे? जो फ्यूचर ऑप्शन है उसमें आप सिर्फ डिफरेंस अमाउंट नोट कर सकते हो। डिफरेंस अमाउंट फ्यूचर ऑप्शन के केस में आपको जो STT आप पे करते हो उसका आपको एक्सपेंस अलाउड होता है, बट ये क्या कैपिटल गेन के केस में अलाउड होता है? द आंसर इज नो। कैपिटल गेन जो STD जो ट्रांसफर एक्सपेंसेस है वो अलाउड नहीं होता है इन केस ऑफ कैपिटल गेन एज पर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 48। नेक्स्ट अदर टैक्स रेट क्या होगा? फ्यूचर एंड ऑप्शन है, इंट्राडे है तो और बिजनेस इनकम मानी जाएगी, तो अगर आप इंडिविजुअल हो तो स्लैब रेट चला जाएगा, और कंपनी है तो 25%, या अगर वो कोई स्पेशल टैक्स रेट वाले ले रहे हैं तो वो स्पेशल टैक्स रेट पे चला जाएगा। फर्म है तो 30% पे जाएगा, और कैपिटल गेन है तो उसके लिए आपका वो 15% 10% जो LTCG के केस में होता है वो आप सेक्शन रेफर करोगे, सेक्शन 111A, 112, 112A। ITR कौन से चाहिए? ITR 3 एंड 4 चाहिए। सो अगर सपोज करो आप 44AD ले रहे हो, इन दैट केस यू नीड टू फाइल ITR 4, एंड अगर आप सपोज करो नॉर्मल आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो उस चीज का तो आपको ITR 3 सबमिट करनी है। सो क्रक्स पॉइंट ये है, मैंने अभी सब कुछ डिस्कस कर दिया है। सो अब ये जो लास्ट स्लाइड है इसको हम ध्यान से देखते हैं। सो आई थिंक वो जो थोड़ा सा क्लियर है, क्योंकि शायद अभी वो चीजें हमने एक एक करके समझी है, अब उसको एग्रीगेट करके समझते हैं, सो आई थिंक ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। सो ये हमारे मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की जो है एक सैलरी इनकम है,
मतलब वो किसी कंपनी में काम करते हैं, उनको वहां से सैलरी मिल रही है। नेक्स्ट उनकी शेयर ट्रेडिंग की इनकम है जो कि डिलीवरी बेस्ड है। नेक्स्ट उनकी शेयर ट्रेडिंग की इनकम है जो कि नॉन डिलीवरी बेस्ड है, बेसिकली इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन। सो अब इस केस में टैक्सेबिलिटी देखते हैं मिस्टर एक्स की। सैलरी इनकम है तो उनका स्लैब रेट तो ऑलरेडी लग ही रहा होगा, मतलब जो टीडीएस है वो एम्प्लॉयर डिडक्ट भी कर रहा होगा। अगर वो नहीं भी डिडक्ट करेगा तो स्लैब रेट पे जाएगा ये चीज, ठीक है। इनकम अंडर द हेड सैलरी, शेयर ट्रेडिंग डिलीवरी बेस्ड है। मिस्टर एक्स जो है सैलरी, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ इनकम उनका सैलरी है, वो जस्ट कैजुअली ट्रेडिंग करती है। सो वो कैपिटल गेन दिखाते हैं। तो अगर कैपिटल गेन है, क्या इस केस में हमारा टैक्स ऑडिट होगा? तो आंसर इज नो। बिजनेस इनकम हम तभी मानेंगे जब वो रेगुलर बेस पे उसका काम ही वही है कि वो कंसिडर करे कि मतलब वो जस्ट शेयर ट्रेडिंग पे ही रहे, तो हम बिजनेस इनकम मानेंगे। अदरवाइज वो हम कैपिटल गेन मान के हम उसको छोड़ सकते हैं। बट यस, इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द एसएससी कि वो उसको क्या एज्यूम करते हैं। सो मेन हम इसको कैपिटल गेन मानेंगे, बट इफ ही वॉन्ट्स कि वो इसको बिजनेस इनकम दिखाएं तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं शेयर ट्रेडिंग नॉन डिलीवरी बेस्ड, ये हमारा बिजनेस इनकम है। डिसाइड करना है टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी बेस्ड ऑन द फेवरेबल और अनफेवरेबल डिफरेंसेस इंक्लूडिंग प्रीमियम इन केस ऑफ ऑप्शन। तो जो आपका फेवरेबल और अनफेवरेबल डिफरेंसेस है, मतलब जो प्लस 6,000 माइनस 4,000 10,000 का आपका जो प्रॉफिट आता है, वो आपका टैक्स ऑडिट डिसाइड करेगा। ये जो डिफरेंसेस है, ये आपका जो एडिशन होगा फेवरेबल और अनफेवरेबल डिफरेंसेस का, वो आपका टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी को डिसाइड करेंगे। और इंक्लूडिंग प्रीमियम इन केस ऑफ ऑप्शन, तो ऑप्शन के केस में आपको प्रीमियम भी ऐड करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट मिस्टर जो हमारे एक्स है। और इनको कौन सी आईटीआर फाइल करनी है? इनको फाइल करनी है आईटीआर 3 या आईटीआर 4, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट कितना इन्वॉल्व है उसमें। सो दिस इज ऑल फॉर टूडे। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। आई ट्राइड माई बेस्ट टू लाइक यू नो कि सारे कॉन्सेप्ट को जो फ्यूचर ऑप्शन और शेयर ट्रेडिंग की है उनको एक साथ लेकर आई एंड आपको बताया जाए कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं या जो नॉर्मली मैं क्वेरीज रिसीव करती हूँ। सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू पुट सब कुछ जो है एक ही सिंगल वीडियो में। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आप मुझे मेल भी कर सकते हो। हम लोग बहुत ट्राई करते हैं कि आपकी जो भी सारी क्वेरीज हैं या जो भी आपकी क्वेरीज का रेजोल्यूशन हम जल्दी से जल्दी करें। एंड अगर आपको इसी तरीके से हमारे लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए हमारे चैनल पे, तो प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल सी संसार। एंड माय नेम इज शिवांगी मित्तल, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर इट, बिकॉज जब लोग एक्नॉलेज करते हैं सो इट रियली फील्स गुड। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। लेट मी नो इफ यू हैव एनीथिंग जो भी इस वीडियो के थ्रू आप कुछ बोलना चाहेंगे, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच एंड बाय।